रहा क्विकली आज की ट्रेडिंग बेट्स। यस सिक्योरिटीज कह रही है ब्रिटानिया खरीदना है 4270 के टारगेट्स। केआर चौकसी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज कह रहे हैं भाई एमसीएक्स पे दाव लगाइए 1655 के लक्ष्य वहां पर। और द स्ट्रीट्स का कॉल है कैनरा बैंक को लेकर, यहां भी खरीदा जा सकता है 160 के टारगेट। तो स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग कंटिन्यू होती हुई, लेकिन मोमेंटम थोड़ा वॉलेटिलिटी सब देखने को मिलेगी। स्टॉप लॉसेस प्लीज नोट डाउन करिए। क्विकली हर्षदा के पास जा रहा हूं, आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जान लिए जाए। हर्षदा गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। रियल एस्टेट स्टॉक्स अब कल जो रफ्तार में थे आज फिर रडार पर रहेंगे, क्योंकि दरअसल कर्नाटका ने अनाउंसमेंट किया है कि स्टैम्प ड्यूटी 35 से 45 लाख वाले फ्लैट्स पर 5% से घटाकर अब 3% रहेगी। ये डिमांड को फ्यूल कर सकता है और कर्नाटका में जो कंपनियां कारोबार करती है उन्हीं पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। इसमें शोभा है, प्रेस्टीज है, पूर्वांकरा जैसे स्टॉक्स है, कोलते पाटिल जैसे स्टॉक्स है, ये लार्जली वो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को केटर करते हैं। तो इस स्पेस पर आप फिर आज नजरें रखिए, जहां पर कल हमने देखा था काफी तेजी देखने को मिली थी। दूसरी तरफ एमटार टेक्नोलॉजीज के लिए एक डेवलपमेंट, कंपनी को दरअसल नेशनल एरोस्पेस डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स का एक्रेडिशन प्रोग्राम में सर्टिफिकेट मिल गया है। ये सर्टिफाइड हो गए हैं कि जो 5 तेलंगाना यूनिट 5 है तेलंगाना की, उसको 100% सर्टिफिकेशन मिला है अगले 12 महीनों के लिए, कि बेसिकली इस यूनिट से वो डिफेंस और एरोस्पेस के ऑर्डर्स फुलफिल करते हुए दिखाई देंगे। और कंपनी ने इनफैक्ट हमें एक्सक्लूसिवली बताया भी था कि ऑर्डर बुक काफी मजबूत होती दिखाई दे रही है। केईसी इंटरनेशनल स्टॉक रैली कर रहा है और कंपनी के हाथ दरअसल कुल मिलाकर 1157 करोड़ के नए ऑर्डर्स हाथ लगे हैं, जिसमें टीएनडी है, रेलवे है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, सिविल इंजीनियरिंग है और केबल बिजनेस है। तो कुल मिलाकर 1157 करोड़ के ऑर्डर्स इनके हाथ आते हुए। रूट मोबाइल आज रेडार पर रहेगा, कंपनी की बोर्ड बैठक है फंड रेज को लेकर। साथ ही साथ न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर ने भी ऐलान किया कि 24 सितंबर को यानी कि इस फ्राइडे को दरअसल बोर्ड बैठक होगी, बायबैक पर विचार करने वाले हैं। एक और डेवलपमेंट आज सुबह सवेरे फिनोलेक्स केबल्स पर आती दिखाई दे रही। दरअसल अखबारों में एक रिपोर्ट आई है कि इन गवर्न ने रेकमेंड किया है कि शेयर होल्डर्स 8 रेजोल्यूशंस के अगेंस्ट वोट करें, जो कंपनी ने इनफैक्ट वोटिंग मंगाई है। फिनोलेक्स पर आरोप है कि इन्होंने कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों का उल्लंघन किया है, खासतौर से जब वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे थे। तो आज ये स्टॉक दबाव में रह सकता है। ये सब स्टॉक्स खबरों में। आज का इवेंट्स कैलेंडर, तो FOMC की बैठक आज कंक्लूड होगी, आउटकम आएगा। आज बैंक ऑफ जापान की भी मॉनेटरी पॉलिसी मीट का आउटकम आना है, थोड़ी देर में ही शायद वो आ जाएगा। ग्लोबली चाइना मार्केट्स रीओपन हो गए, हांगकांग और साउथ कोरिया छुट्टी पर है। रूट मोबाइल की बोर्ड मीट है आज फंड रेजिंग पर, और आज से वो मोदी जी का US दौरा शुरू होगा। वो मेरे दिमाग में भी घूम रहा है, तो 10 दिन का मैंडेटरी होम क्वारंटाइन नहीं किधर है भाई? क्यों, अगर आपकी वैक्सीनेटेड नहीं मान रहे आपको तो फिर RT-PCR और 10 दिन होम क्वारंटाइन भी तो होगा? नहीं होगा, ऐसा नियम नहीं है। नहीं, मुझे गड़बड़ लग रहा है। देखिए मीटिंग, मेरे को लगता है मोदी का स्टे एक्सटेंड हो जाएगा। क्विकली एक काम करो, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पर कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रेटजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है CNBC आवाज इबिक्स कैश स्टूडियोज में। आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट की स्ट्रेटजीज आई हैं पृथ्वी फिनमार्ट की तरफ से। स्क्रीन पिन से चल रही होंगी, नोट डाउन कर लीजिए। जाता था SGX निफ्टी, दिखा दीजिए डॉक्टर साहब एक बार स्क्रीन पर, एकदम फ्लैट, 50-60 पॉइंट नीचे खुलने के इंडिकेशंस आप देखिए, एकदम सपाट होता हुआ। भाई चाइना नहीं डर रहा तो हम इतना क्यों नर्वस आ रहे हैं? शायद वही है जो स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन अभी भी बड़े इवेंट्स लाइंड अप हैं, कॉशियसली ट्रेड करने की जरूरत है इस बाजार को। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही, ब्रेक ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।